बढ़ती महंगाई पेट्रोल डीजल के दिन पर दिन बढ़ते दाम महंगाई बेरोजगारी राफेल घोटाले के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आह्वान पर 12 घंटे व्यापी भारत बंद का आज मिला जुला असर देखने को मिला। हुंगली के रिसडा एवं श्रीरामपुर उपशहर में आज सुबह ही युवा कांग्रेस एवं माकपा कार्यकर्ताओं ने पहले जीटी रोड पर जाम लगाकर तकरीबन एक घंटे तक पथराव रोध किया। बाद में रिसडा एवं श्रीरामपुर में परस्पर ट्रेन रोकी गई, हालांकि सिर्फ 5 मिनट तक ही ट्रेन रोकी गई। आरपीएफ के हस्तक्षेप पर तत्काल अवरोध हटा लिया गया। कांग्रेस के भारत बंद के वजह से आज जिले के तमाम स्कूल बंद रहे। वहीं आज लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़क यातायात पर इसका व्यापक असर देखने को मिला। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की भारी व्यवस्था रही। साथ ही भाजपा हटाओ देश बचाओ के नारे बुलंद किए गए एवं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। आज हम लोग ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के साथ साइड में कभी भी इस तरह का डिसीजन नहीं लिए, लेकिन ये जो मोदी आज का ये अवरोध है ये किस कारण से है? पेट्रोल डीजल गैस का जो दिन प्रतिदिन दाम बढ़ रहा है, राफाल जो कलंकारी हुआ है बहुत बड़ा भारतवर्ष में, इसके प्रतिवाद में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सभानेत्री सोनिया जी के निर्देश पर सारा भारतवर्ष में एक कांग्रेस का आज बंद का आह्वान किया गया। उसी के उपलक्ष में हम लोग भी रिश्ता में जो है टाउन कांग्रेस, महिला कांग्रेस, छात्र परिषद, यूथ कांग्रेस, मदर कांग्रेस, INTC के तरफ से ये बंद हम लोग किए हैं। कितने बजे तक अवरोध किया सड़क? हम लोग जो है 8 बजे से 9:30 बजे, आप लोग तो देख ही रहे हैं, 8 से 9:30 बजे तक जो किए हैं। बाद बाकी बंद का जो चल रहा है, बाधा पुलिस प्रशासन जो है का उन लोगों का मान सम्मान को देखते हुए हम लोग जो है हम लोग अभी प्रशासन अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, बोला आप लोग का मैसेज जो है ऊपर तक तो गया ही है। आप लोग से अनुरोध करते हैं कि ये जो रास्ता ब्लॉकेज उठा दे। आपका नाम बता दीजिए। ब्रह्मदेव रविदास, सभापति रिश्ता टाउन कांग्रेस कमेटी, काउंसलर सुरेश तिवारी, शाहिद नवाज खान, मिंटू ज्योति, पंपा विश्वास और